दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की मांग को दिया ज्ञापन। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा दिल्ली में हुए 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की हरकत को लेकर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें, गुरुवार को जनपद मुरादाबाद के कचहरी परिसर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के संरक्षण एवं पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के संरक्षक लल्ला बाबू द्रविड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो 4 लोगों ने दुष्कर्म किया और बाद में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उनके सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और अपराधियों के हौसले पस्त थे, लेकिन वही दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। इसी को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने आज 4 आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि चारों ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चारों को तत्काल प्रभाव से फांसी पर लटका दिया जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। फाइल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद। फाइल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। फाइल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। फाइल के बाद में दुष्कर्म करने के बाद में जिंदा जला दिया गया, तो दिल्ली सरकार को हम ये भेज रहे हैं केजरीवाल सरकार को कि उन दरिंदों को जो समाज में ऐसे दरिंदे हैं, दरिंदों की कोई जाति नहीं है, बहन बेट की सबकी एक होती है। तो हमारी मांग ये है कि बहन बेटियों की दिल्ली सरकार में, हर ही सरकार में सुरक्षा की जाए। और ये जो सब ढोंग पीटते फिर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, ये मुझे नागवार में लगता है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों है। लल्ला बाबू हाथ लगा लीजिए। थैंक यू। पायल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पायल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पायल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। देखिए, दिल्ली में एक नाबालिग लड़की, लगभग 8-9 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके और उसे जिंदा मरघट में जला दिया गया। जब उसके घर वाले पहुँचे तो उसकी आधी बॉडी जल चुकी थी। इसके लिए हम तुरंत फर्स्ट एक्ट में मुकदमा चलवाकर और दोषियों को फांसी चाहते हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा चाहते हैं। यूँ के जो नल से पानी लेने बेटी गई है, उसके घर में नल नहीं है, तो परिवार की हालत कैसी होगी, उसे उचित मुआवजा दिया जाए। और हर सरकार से हमारी मांग ये है कि बेटियों की सुरक्षा की जाए। सभी की बेटियां हैं और दुष्कर्मियों का कोई ना धर्म होता है, ना दीन होता है, ना मरघट होता है उनका, ना शमशान होता है, ना मंदिर होता है, ना मस्जिद होती है। ऐसे दुष्कर्मियों पर ध्यान रखा जाए और छोटी छोटी बेटियों की सुरक्षा की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की जाए। ये हमारी मांग है।